आप सबका खैर मकदम करता हूँ। फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी अब होने जा रही है, क्योंकि आज सबको पता ही ऑलरेडी यहाँ पे अंडर 17 का ये एग्जीबिशन मैच था जो हरपुरा का ये नानिल का ग्राउंड है। पहली बार मैंने ऑलरेडी पहले बोला कि 23 साल के बाद इस ग्राउंड में फिर से जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हुई है, तो इसका क्रेडिट जो है मोहतरम रफीक अहमद टोम्बू साहब को जाता है, तो इसके लिए जोरदार तालियां। जो दोस्त है, जो उनके सपोर्टर्स है, मोहतरम अफरोज अहमद खांडे साहब और दूसरे जो भी लोग हैं इनको साथ दे रहे हैं, तो सब तालियों के हकदार हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ग्राउंड को बनाने में अपना ताउन करेंगे और खासकर जो सपोर्ट एक्टिविटीज है उनको कंटिन्यू करेंगे, और उसके लिए जरूरी है कि आप फियर गेम्स का इनका यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर आपको अपने ग्राउंड की तरक्की से मतलब है तो पहले आपको रूल्स के हिसाब से गेम्स चलाने हैं। टूर्नामेंट अगर आप कंडक्ट करते हो तो जब तक कि आप गेम्स के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तब तक शायद आपके पास यहाँ कोई खेलने नहीं आएगा, तब तक शायद यहाँ से लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो इसलिए पैसे खर्च करके आपसे खर्च करते हैं। आजकल आपके पास फेसबुक है, अगर आपने 10 बंदी बनाए रात को फेसबुक पे आपका आता है मतलब आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारे टाइम में है गफूर जिनका नाम है, वो उमर के प्लेयर है। इस मैच के मौसम बशीर अहमद सल्लू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनको इमर्जिंग अवार्ड पेश कर गफूर। तो गफूर सल्लू साहब के लड़के भी है और अच्छे क्रिकेटर है, कैप्टन भी है ये रेडियंट पब्लिक स्कूल अनंतनाग। बस फिर रेडियंट ही हो प्लेयर प्लेइंग 11 से अपना टैलेंट मैंने जैसे पहले ही कहा सपोर्ट से भी प्रोफेशन बन चुका है, तो उम्मीद करेंगे इसी जोश और वलवले के साथ आगे भी आप क्रिकेट खेलते रहोगे। तो आज के जो विनर सब रहे हैं वो है फ्यूचर होप नानिल को उनके लिए जोरदार तालियां। साथ ही मैं हमारे जो मुस्तफा मदन साहब उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इनके कैप्टन को विनर सब ट्रॉफी पेश करें। जोरदार तालियां। चलो जोरदार तालियां। चलो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करेंगे कि आगे भी यहाँ पे आप आओगे।